अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल AI Academy। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरह दराज के प्रोडक्ट्स को वापस कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको रिसीव हुई हो दराज की तरफ से, तो आप वो चीज़ अगर टूटी हुई है, या आपने कोई चीज़ मंगवाई है और वो कोई और चीज़ उन्होंने भिजवा दी है, या क्वालिटी वाइज वो चीज़ ठीक नहीं है, या कोई चीज़ उसमें कम भेज दिए उन्होंने, तो आप उसको किस तरह वापस कर सकते हैं। और तो हम चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले आपको राइट साइड पे ये अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो हम सबसे पहले इसमें जाएंगे अकाउंट्स में। अकाउंट्स में आने के बाद ये नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा डिलीवर्ड का ऑप्शन, ठीक है। हम इसमें जाएंगे तो ये देखें, ये डिलीवर हुआ था 16 अप्रैल को, ठीक है। हम इसको ऊपर करेंगे, ये देखें, ये सबसे लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा ऑर्डर डिटेल, ठीक है। हम इस ऑर्डर डिटेल को क्लिक करेंगे, तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये देखें, ये इनिशिएट रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है जी, लेफ्ट साइड पे इनिशिएट रिटर्न, आप इस पर क्लिक करेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिटर्न, यानी क्योंकि हमारा काफ़ी दिन हो गए हैं, अप्रैल में हमने ये मंगवाया था और अभी जून चल रहा है, तो दोस्तों 2 महीने गुजर गए इस बात को। यानी बताने का मकसद ये है, डिलीवरी आपको मौसूल हो जाती है उसके 7 से 14 दिन के अंदर अंदर आपने प्रोडक्ट को रिटर्न करना होता है। तो आप इनिशिएट रिटर्न करते अगर आपके 14 दिन या 7 दिन ना हुए होते, तो ये देखें आपके पास ये रिटर्न एंड रिफंड का ऑप्शन आ रहा होता है इस तरह का, ठीक है। आपने उस पर इस रिटर्न और रिफंड के ऑप्शन पे क्लिक करना था, बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आता जिसमें आप रिटर्न यानी वापस करने की रीज़न लिखते, ठीक है। आपने रीज़न लिख दी, उसके बाद ये देखें आपने जो पिक्चर्स थी उस प्रोडक्ट की, मिसाल के तौर पर, अब ये कोई वजह नहीं है कि आपको पसंद नहीं है ये चीज़, ठीक है। आपने कोई सॉलिड रीज़न लिखना है कि चीज़ कम्प्लीट नहीं है, चीज़ ख़राब हो गई है, ठीक है, या जो चीज़ मंगवाई थी वो नहीं आ सकी, मुख्तलिफ रीजन्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वो प्रोडक्ट की यानी मैक्सिमम आप 6 तस्वीरें यहाँ पे सेंड करेंगे, ठीक, अटैच करेंगे, और कमेंट्स में ये देखें, प्लीज़ प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल टू हेल्प अस सर्व यू बेटर, यानी वो बोल रहे हैं कि आप कमेंट्स के अंदर मज़ीद इसको ना डिस्क्राइब करेंगे जिसमें इस प्रोडक्ट में क्या क्या इशू है, ठीक है। इसको आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये देखें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। तो वो सारी आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये कह रहे हैं कि सिलेक्ट रिटर्न शिपमेंट, यानी अब आप के करीब तरीन अगर कोई है दराज का वेयर हाउस है आपके करीब तरीन, तो आप ड्रॉप ऑफ पे क्लिक कर देंगे कि आते जाते आप वहाँ पे पहुँचा देंगे, ठीक है। या आप चाहते हैं कि जिस तरह बाइकिया राइडर हमारे यहाँ दे के गए चीज़, इसी तरह वो पिक कर ले, तो आप ये जो लेफ़्ट साइड वाला है पिकअप का, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रिफंड मेथड होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखें ये आ रहा है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक रिफंड बैंक ट्रांसफ़र है, दूसरा वोचर है, यानी आप दराज में से कोई और चीज़ भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर यही होगा, ये जल्दी हो जाता है, ठीक है, तो वो 4 से 5 वर्किंग डेज लग जाते हैं, ठीक है। तो आप ये वोचर वाला करेंगे तो ये बेहतर है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपने सबमिटेड कर दिया, ठीक है। तो आप देखना चाहते हैं कि मेरी रिटर्न का क्या स्टेटस है, तो ये देखें, ये माई रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें, यू हैव नो रिटर्न येट, ये कह रहा है कि आपकी कोई भी रिटर्न की रिक्वेस्ट हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मज़ीद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।